मंदिर में जो एक्स्ट्रा घास है वो भी काटेंगे, साफ सफाई भी होगी आज और कल में, परसों से क्योंकि नवरात्रि लगी ना इसीलिए। बचपन में यहाँ पे बोरा लेके हम लोग एक दूसरे को बोरे से स्लाइड कराते थे। सुयोग कन्या कांटेक्ट करे, घास आस सब काट लेता है, असोच के सारे काम आते इसको, असोच के सारे काम आते इसको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग पहला, वेलकम टू अंदर ब्लॉग। तो समय हो रहा है अभी 7:15, बहुत अधिक हो रहा है, बट मौसम भी बहुत बेकार हो रहा है। कल भी बहुत बेकार, आज भी बहुत बेकार, पूरा मौसम बेकार हो रहा है, बारिश वारिश हो रही है। मैंने जैकेट भी पहना था, टोपी भी डाल दी, टोपी इसलिए डाल रखी, इतना ठंडा तो नहीं हो रहा बट टोपी इसलिए डाल रखी है, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मैं गोठ में आ रहा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ, तो उस टाइम पर बारिश से बचने के लिए टोपी डाल रखी है, वरना इतना ठंडा नहीं हो रहा। और धान चूटने का प्लान था कैंसिल हो गया, मंदिर में सफाई का प्लान था वो भी कैंसिल हो गया बारिश से, सब घर में बैठे हुए हैं, घर में दुबक के बैठे हैं। ऐसे बारिश हो रही, झम बारिश लगी हुई है, बादल लगे हैं, कोहरा लगा हुआ है और खेत ऐसे सुनसान पड़े हैं, सारे धान भीग रहे हैं, क्या ही करें ना। तो अभी हम जा रहे गोठ में, दूसरी बार चाय पीने, पापा नाश्ता कर रहे हैं, पीयूष वॉशरूम में है और मम्मी गोठ में है, हम चाय पीते दूसरी और उसके बाद नाश्ता करेंगे बाद में। तो फटाफट दौड़ लगो ना, ले पियो, ये देखो चीटे से बचाने के लिए ऐसे ये लगा रखी पन्नी यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं हम छीटा रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट तो वैसे होता है बस, छीटा रेजिस्टेंट। तो हम आए हैं गोठ की ओर, अब हम छतरी हटा देते हैं अपने। गुड मॉर्निंग मम्मी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है? हैं? काम मस्त कर रहा थी, चा भी दर जा रही है, आपको करने है मिल दर रहो है। काम कुछ नहीं है, घर में बैठो, कभी चाय बनाओ चाय पियो, नाश्ता बनाओ नाश्ता करो, बैठ जाओ बस ऐसी हो रहा। असौज लग गो फर्स्ट ऑफ ऑल, असौज मिल जाओ लाइफ में, क्यों लिखा ने असौज में द असौज में घर बैठ गए यार, मतलब खानी है असौज में रही थी मच चुकी बूती। तो चाय बन रही है हमारे यहाँ पे और हम साथ में लेके आए अभी क्रीम रोल, खल देना एलवेला एरिनिया का, क्रीम रोल खाएंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे बाद में, पर थोड़ा रुक के। मतलब ये है आज की अपडेट और आगे कुछ अपडेट होगी तो आपको आप जरूर बताएंगे हम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो आगे कभी भी इंटरेस्टिंग हो सकती है ना, इसलिए आप पहले स्किप कर देते हो, ये चीज़ गलत करते हो, वीडियो देखा करो पूरी। तो अभी ब्रेकफास्ट करने आ गए हम लोग, आज ब्रेकफास्ट धान चूटने के हिसाब से बनाया था, वैसे चने बनाए थे और रोटी बनाई थी, बट बारिश आ गई और मैंने चने में अभी मलाई डाल रखी है, एक्सपेरिमेंट करते रहता मैं चीज़ों के साथ में। तो ब्रेकफास्ट करते फिर मैंने जाना मंदिर में, मौसम खुल गया धीरे धीरे तो मंदिर में काम शुरू करेंगे सफाई का, तो मैं चले जाऊँगा मंदिर में थोड़ी देर में। बाकी सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं ही बचा हुआ हूँ। तो फाइनली 11:15 बज चुका है और नितेश और मैं जा रहे हैं मंदिर की ओर, नितेश भी आ रहा था पर मैंने रोक दिया था, वीडियो का कंप्लीट सेटअप करके जा रहा हूँ मैं घर से, मंदिर में चलते हैं, मंदिर में काम दिखाते हैं आज क्या हो रहा है। साफ़ सफाई का वैसे होता है जिस टाइम पे श्राद्ध लगते हैं, श्राद्ध के बाद, श्राद्ध खत्म होने के बाद, 9वीं 10वीं के बाद सफाई शुरू होती थी, इस बार थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बारिश हो गई थी मेन टाइम पे। तो बस बचे हैं 2 दिन, 2 दिन में पेंटिंग भी होगी और मंदिर में जो एक्स्ट्रा घास है वो भी काटेंगे, साफ़ सफाई भी होगी आज और कल में, परसों से क्योंकि नवरात्रि लगी ना इसीलिए। तो चल पड़े हम मंदिर की ओर, मौसम आज बहुत ख़राब है, दिन भर ऐसे ही रहेगा शायद, अभी थोड़ी देर पहले खुला था, पूरा कोहरा लगा था जो हट गया वो, बट अभी भी मौसम बना हुआ है, अगर थोड़ा खुलेगा तो शाम को धान जोड़ने जाएंगे वरना मुश्किल है। तो घर से मैंने कंटिन्यू किया था, घर से मंदिर की दूरी सिर्फ 2 मिनट की है मुश्किल से, अगर हमारी स्पीड से चलेंगे तो डेढ़ मिनट तो मतलब फिर भी 2 मिनट की, इतना नज़दीक हमारा घर घर से मंदिर। तो ये हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, गुल देवता का मंदिर, हर साल यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे सफाई होती है, पेंटिंग वगैरह होती है मंदिर में, और दिन में आज खाना भी यहीं बनेगा, खाने की तैयारी पापा लोग करेंगे। यहाँ पे शायद ये बड़ू ने यहीं पे बनेगा खाना, यहीं चूल्हा लगेगा। चाचा लोग जितने हैं सब लोग पहुँच चुके हैं, और भाई साहब क्या हाल है, कर लो इधर तो दिखा दे फेस यार, ये चाचा अपने ताऊ जी सब लोग लगे हुए हैं। जय हो, चलो अब करते हैं अपना काम स्टार्ट। सुबह में यहाँ पे टाइल साफ कर रहा है, बहुत सही, आगे रुक जा।
वाइपर में खींच दूँ। बंटी उधर घास नोच रहा है, निर्मल यहाँ पे घास काट रहा है। ये हम घसियार सुयोग कन्या कॉन्टैक्ट करे, घास आस सब काट लेता है, असोच के सारे काम आते हैं इसको, असोच के सारे काम आते हैं इसको। ये चाचा है हमारा, ठीक है, सारा काम कर लेता है वो। ताऊजी लोग, ताऊजी ये ताऊजी लोग हैं, ये भी ताऊजी, शंकर, सब लोग लगे हुए हैं। हम करते हैं टाइल्स में सफाई का काम। वाइपर खींचनी, बंटी देखा है, बंटी आए तो कर दिया है। ये तो ये है मंदिर गुलजू का, ये साफ कर रहे हैं। तो हम वाइपर मारते हैं अब सुबह मोहर में मिलके, ठीक है भाईजान। वाइपर भी अच्छा है वैसे। तू ले अगला करो यो। यहाँ पे पहले बचपन में हम लोग, बचपन में यहाँ पे बोरा लेके हम लोग एक दूसरे को बोरे से स्लाइड कराते थे, ये हमारे गेम थे इन्वेंटेड। सीधे सिर में लगती थी, जब ज़्यादा तेज से हम लोग स्पीड से फिसलते थे तो सिर पे लगती थी सीधे, बहुत खतरनाक। बहुत सारी मेमोरीज है इधर जुड़ी हुई, तो मिलकर काम करने में सही भी लगता है वैसे। पहले से ऐसा होता था कि पहले शुरुआत में सब लोग जोश से काम करेंगे, पहले पेंट करना होता था तो ब्रश वगैरह पहले बड़े मजे से पकड़ेंगे, फिर थोड़ी देर में ऐसे बोर हो जाएंगे तो फिर छोड़ देंगे। अरे पहले साफ कर ऐसा होता है। अरे नितेश तू क्या करने हैं? अरे नितेश को लिपाई का काम मिला है, मंदिर का काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब सही है, सही है ब्रो। नितेश कर रहा है लिपने का काम शायद। हाँ बेटा ये देखो, मैं स्टैंड भी ले आया, थोड़ा इजी हो जाएगा काम करते टाइम वीडियो बनाने के लिए। बूबू भी पहुंच गए, बूबू ने खोल दिया मंदिर, अब साफ सफाई अंदर की भी होगी और हम लोग बाहर की कर ही रहे हैं, जैसे कि सब लोग मिल गए। पहला टी ब्रेक, टी ब्रेक नहीं, थम्स अप ब्रेक। ये थम्स अप आगे, इधर चाचा हमारे सर्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बराबर निकालना। आज चली नहीं वो, चल आज पकड़, वो भीम क्या पकड़ है रे, टी ब्रेक ओवर हो चुका है, अब टाइम लैप्स से लगाता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड पे वर्क दिखाते हैं हम लोग का। सब्जी के स्पेशलिस्ट आशीष भाई हमारे कद्दू का हलवा बना रहे हैं, आज नमकीन हलवा। सेफ आज के हैं कल्लू, आशी पापा और कबीर चाचा हमारे ऊपर। कल्लू बहुत सकल देखा तो दाऊ, एक देखा तो बहुत मशाल सब नया लिया करो ही तो का। कौन बढ़ा ले सब लोग अपने अपने काम के लिए। ताऊ जी लोग इधर कर रहे हैं सफाई, इधर खाना बन रहा है, बाकी हम लोग भी बीच बीच में से एक एक बार होल्ड करने आ जा रहे हैं। शंकर फिर से कंटिन्यू हो गया, निर्मल और नितेश यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट करें, अभी थकान बहुत हो गई ना उनको, सुबह से बहुत कमर टेढ़ी होगी। और ये ज़्यादातर दिक्कत होती है लंबी हाइट वालों के लिए ना, ज़्यादा झुक के काम करते तो उनकी कमर टेढ़ी होती है। ये दोनों हमारे गाँव के सबसे लंबे पुरुष चाचा और बंटी ऊपर लाइट का जुगाड़ कर रहे हैं, ऊपर ऊपर लाइट लगा रहे हैं। और यहाँ लिपाई आधी हो चुकी है लगभग, 70% 30% बची है उधर। वो भी देर लगे अपने काम पे, बर्तन वर्तन घिसने में। तो अभी सारा काम हो चुका है कंप्लीट, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या किया। ये जो जितनी भी लाल वाली पट्टियाँ दिख रही है इधर, ये सारी मैंने कर रखी हैं अभी, जो मतलब शुरुआत से सुबह से तो और कुछ किया था मैंने। ये पट्टियाँ चारों तरफ जो भी है पट्टी है, ये सब इतना किया मैंने। ये
इधर पूरी धर्मशाला, नीचे भी इधर की भी धर्मशाला, बाकी इधर भी होगी साफ सफाई। घास आस भी काट दिए, सारा काम दिखा रहा हूँ। इधर की सारी घास हटा दिए, मिट्टी मिट्टी अब साइड से। इधर धुनी की भी लिपाई होगी और सारा इस तरफ का भी एरिया साफ हो गया। इधर भी झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया है, पूरी लिपाई पाई होगी, धुनी भी बना दी है। मंदिर भी साफ हो गया, टाइल्स वगैरह, पेंटिंग वगैरह। अगर मौसम सही रहेगा तभी पेंटिंग होगी, वरना पेंटिंग नहीं होगी, क्योंकि मौसम ऐसा ख़राब हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी ना पेंटिंग में, इसीलिए। और इधर मौसम अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा बना हुआ है। सबको भूख लग गई थी तो सब लोग खाने बैठ गए हैं। सबसे पहले बंटी, कल्लू और ये आज तीन लोग बैठे हैं, बनाने वाले सबसे पहले खा रहे हैं। आले चलो ओ बिल्कुल यार, तत्ले बैठ। तो आज मेन्यू में क्या है कल्लू, बताएंगे आप कैलाश भाई? मिक्स दाल है, हाँ, कद्दू की सब्जी है, हाँ, और चावल है। कौन 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 सी चीज़ किसने बनाई है? भट की चौकानी है। अब जाके बर्तन भी धो लिए, लंच कर लिया हम लोगों ने। वो तीला, अच्छा इसी ने कर रखा लंच, चलो तीला खाया। बर्तन हम लोगों ने धुले, अब ये कह रहा है कि लास्ट में मेरा ही नाम लो, क्यों लें? सबने मिलके बर्तन भी धो दिए, लंच भी हो गया है, अब जा रहे हम लोग घर की ओर। चलो फिर कल मिलते हैं, फिर से कल दूसरे काम पे। ओके बाय बाय, चलो फिर। ओए तो लोन ही आए हो रे, लोन और प्लेट। चलो हम चलते हैं। तो पहुँच गया घर, अब मैं चलता हूँ सोने के लिए। कल रात नहीं सो पाया जैसे, नींद आ रही है मेरे को। धान छूटने कैंसिल हो गए, इसीलिए मौसम भी बहुत बेकार बना हुआ है। मौसम जैसे कि आपने देखा ही पहले, ऐसा मौसम हो रहा है। तो बस मैं चलता हूँ, सो जाता हूँ। तो अभी गाइस अपने रूम पे आ चुका हूँ, और आज दिन में मंदिर में काम किया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी मंदिर में काम करते हुए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो मंदिर जाके वो सब चीज़ें जो मंत्र गायब हो जाती गई, उन सब चीज़ों के बारे में कुछ दिमाग में चलता ही नहीं। मंदिर में बस, मंदिर में साफ सफाई करते उस टाइम पे उसी में मन लगा रहता, कुछ काम करते उसी में मन लगा रहता ना, तो सारी वो बुरे जो निगेटिव थाट्स चलते हैं दिमाग में भाग जाते हैं। ये खासियत है मंदिर में काम करने की, मंदिर में बैठने की, मंदिर में जाने की। तो काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में काम करके, और कल भी हो सकता है कुछ काम हो, अगर बारिश नहीं हुई तो कल भी काम होगा साफ सफाई का। आज का ब्लॉग मंदिर की सफाई से रिलेटेड रहा, मंदिर में सफाई की, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी फ़िलहाल मैं अब चलता हूँ, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। होप करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता है गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।